सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एयू बैंक का जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, ये आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसके कितने ज्यादा चार्ज वसूल रहा है। तो फिर चलो कार्यक्रम को शुरू से शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं इसमें अकाउंट ओपन करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ये मेक श्योर करना कि जिस नंबर से आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो उसी से आपका आधार कार्ड लिंक हो। और थर्ड ये है कि अगर आप डेस्कटॉप से अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर कैमरे की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका अकाउंट ओपन होगा वो वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन होगा। तो फिर अभी बात करते हैं कि इस अकाउंट में आपको कितनी तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है और इस अकाउंट का आपको कोई भी AMC चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये तो थी नॉर्मल बातें। और अभी एक चीज ध्यान से सुनना, एड में ये बहुत बार कहते हैं कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई अगर आप ये सोच के अकाउंट ओपन कर रहे हो कि इसमें आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा तो भाई आपका जिंदा पोपट काटा जा रहा है। जैसे पेटीएम में होता है अप टू 500 रुपये कैशबैक और मिलते हैं कितने, 2 या 2.5 रुपये, वैसी दर सीन है। आप एक बार ध्यान से सुन लेना जो भी मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख से कम अमाउंट रखते हो तब आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपने 1 लाख से 10 लाख के बीच में रखते हो तब आपको 5% का मिलेगा। 10 लाख से 25 लाख के बीच में रखते हो 6% का, और 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में रखते हो तब जाके आपको 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और इनका एक और स्टेटमेंट है कि आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो आपको मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरे बैंक अकाउंट में क्या होता है कि उसमें 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और इसमें यह है कि हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। भाई बात बताओ, अमाउंट तो सेम ही है ना, आप उसे मेरे को 1 साल बाद दो या 3 महीने बाद दो या 1 महीने बाद दो, अब बस इस अकाउंट के अंदर आपको दिखेगा हाँ हर महीने मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भाई इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी बात करते हैं डेबिट कार्ड और उससे रिलेटेड चार्जेस की। तो भाई यहाँ पे एक और मजे की बात सुनो, इस अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब पता है आपको, जब तक आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक आप UPI का यूज़ कर ही नहीं सकते। और बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि मैं जो फिजिकल वाला डेबिट कार्ड है उसके ऊपर चार्ज लगते हैं तो मैं फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाऊंगा नहीं और चार्ज लगेंगे नहीं। तो वही इस अकाउंट के अंदर ऐसा है ही नहीं, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना ही पड़ेगा। और वही सही बताऊं तो इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब मेरा अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो रहा है, वीडियो KYC के थ्रू अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, तब मेरे को इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड तो देना चाहिए था। अब कोटक में देख लो आप, अगर आप उसमें अकाउंट ओपन करते हो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो या फिर नहीं मंगाना चाहते, और इसमें तो भाई मैंडेटरी आपको मंगाना ही पड़ेगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो तो उसका जो इशू का चार्ज है वो तो बैंक आपसे नहीं लेता, लेकिन जो उसका एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज है वो 150 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। और जो उसके साथ डेबिट कार्ड मिलता है वो रुपये का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। और इस फिजिकल वाले डेबिट कार्ड को रिप्लेस करवाने का भी 150 प्लस GST है, और अगर आप इसे रिन्यू करवाते हो तो भी 150 प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा। और आप इसके फिजिकल वाले डेबिट कार्ड से किसी भी AU बैंक के ATM से विड्रॉ करते हो आपको वहां पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी अनलिमिटेड देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर वो ATM किसी दूसरे बैंक अकाउंट का है तब आपको वहां पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री देखने को मिलेंगी, और 5 के बाद अगर आपने 6ठी ट्रांजेक्शन करी, अगर वो ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल हुई तो आपको 8 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो विड्रॉ वाली ट्रांजेक्शन यानी कि फाइनेंशियल वाली ट्रांजेक्शन हुई तब आपको वहां पे 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और भाई जैसे कि मैंने बता दिया कि ये रुपए का प्लेटिनम कार्ड है, तो अगर आप भूले भटके किसी इंडिया के बाहर के ATM में ट्रांजेक्शन करने लगे तो उसके भी चार्जेस सुन लो। जब आप विड्रॉ करे हुए तब आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हो तब आपको 25 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है और वो जो ATM है जिसे आप विड्रॉ कर रहे हो वो AU बैंक का ही ATM है तब आपको वहां पे कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगर वो ATM दूसरे बैंक अकाउंट का है तब आपको वहां पे पर ट्रांजेक्शन का 20 रुपये चार्ज लगेगा। और भाई जैसे कि आपको पता है कि ये जो अकाउंट है वो पूरा ही डिजिटल है, आप अपने फोन से ये इस अकाउंट को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, तो इधर पासबुक की उम्मीद मत रखना, क्योंकि पासबुक की जगह आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर बैंक स्टेटमेंट देखने को मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हो, आपको ईमेल वगैरह पर मिल जाएंगी, उससे काम चला सकते हो आप। तो अभी बात करते हैं चेकबुक की। तो चेकबुक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप फुल KYC यूजर होने चाहिए, और जो आपका अकाउंट है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होना चाहिए। आप जैसे ही AU बैंक के ऐप के अंदर जाओगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको चेकबुक का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां से चेकबुक अप्लाई कर देना, और विद इन 7 से 8 डेज के अंदर जो आप चेकबुक है वो वेलकम किट के साथ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो फिर इस तरह से आप इस अकाउंट के अंदर चेकबुक का भी लाभ उठा सकते हो। तो फिर अभी बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर और उससे रिलेटेड चार्जेस की। और सबसे मजे की चीज ये है, इस अकाउंट के अंदर आपको फंड ट्रांसफर पे कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। UPI, NEFT, RTGS, IMPS ये चारों सर्विस आपको फ्री देखने को मिलती है। भाई आपको तो ये पता ही होगा कि जो ये वाला अकाउंट है वो DICGC से अप्रूव्ड है, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और जो ये संस्था है वो हर एक बैंक यूजर को 5 लाख तक का
क्लेम प्रोवाइड करती है, यानी कि कल को अगर आपके बैंक के साथ कुछ भी फेलियर होता है आपको वहां पे 5 लाख तक का क्लेम मिल सकता है। तो भाई इस अकाउंट के अंदर आप मनी सिक्योरिटी के टेंशन छोड़ दो। इस अकाउंट के अंदर मेरे को कुछ हिडन चार्जेस भी मिले हैं, तो फिर चलो फटाफट से हिडन चार्जेस को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला चार्ज है SMS अलर्ट का, आपको 30 पैसे पर SMS का चार्ज देना पड़ेगा और मैक्सिमम 15 रुपए पर क्वार्टर का आपको चार्ज देना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी मैं चार्ज बता रहा हूँ उसमें GST जरूर ऐड कर लेना। यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है वो है अकाउंट क्लोजर का। अगर आपने इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लिया और किसी भी कारण आपको ये अकाउंट बढ़िया नहीं लग रहा है, आप इसे चलाना नहीं चाहते, तो 21 दिन के अंदर अगर आपने ये अकाउंट बंद करवा दिया तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और 21 दिन और 1 साल के अंदर अगर आपने ये अकाउंट बंद करवाने की कोशिश करी तब आपको वहाँ पे 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और अगर 1 साल के बाद बंद करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं है। और लास्ट है कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर फंड डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप इनके किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके अप टू 1 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हो फ्री में। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर डिपॉजिट करवाया तो आपको पर 1000 पे 4 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अपने अकाउंट के अंदर 1,01,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ तब मेरे को वहाँ पे 50 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। भाई अभी तो आपने सुना कि 4 रुपये चार्ज देने हैं, भाई इनका ये है कि आपको मिनिमम 50 रुपये चार्ज देना ही पड़ेगा। आप 1,01,000 करवाओ या फिर 1,13,000 करवाओ, 50 रुपये मतलब 50 रुपये। हाँ, 50 रुपये से ऊपर बढ़ सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते। तो भाई अभी एट दी एंड बात करें अगर ओवरव्यू की, तब आप मेरे को खुद एक रीज़न बताना कि हाँ AU बैंक के अंदर मैं अपना अकाउंट ओपन करने वाला हूँ इस रीज़न की वजह से। कि भाई अगर मैं अपनी बताता तो मैं डेफिनेटली कोटक 811 की तरफ जाता। इसको अकाउंट ओपन करने का एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर कोटक 811 में एड्रेस प्रॉब्लम आती है, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोटक 811 के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकता, तब मैं इस अकाउंट को चूज़ कर सकता था। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, ये आपकी मर्जी है आप कौन सा ओपन करना चाहते हो। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है, उसके लिए आप इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। वरना अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो 0 बैलेंस बैंक अकाउंट सर्च करने में, तब आप डेफिनेटली इस वीडियो पे क्लिक कर लो।